दुनिया के सबसे बड़े उर्वरक निर्यात रूस ने अमोनिया नाइट्रेट के निर्यात पर 2 महीने का प्रतिबंध लगा दिया है। इस कदम से विशेष रूप से दक्षिण अमेरिका को उर्वरक आपूर्ति कम होने का खतरा है, जो बढ़ते मौसम में एक महत्वपूर्ण स्थिति पर है। ब्राजील रूस से अमोनियम नाइट्रेट का अब तक का शीर्ष आयात है। सोयाबीन की फसल के बाद ब्राजील की दूसरी बड़ी फसल मक्का है। ब्राजील में मक्के की बुआई भी चालू हो चुकी है, जिसके लिए कई क्षेत्रों में नाइट्रोजन उर्वरक की आवश्यकता भी है। काफ़ी सालों से ब्राजील मक्के का दुनिया का दूसरे नंबर पर मुख्य निर्यातक है। ला नीना द्वारा लाए गए अर्जेंटीना और दक्षिणी ब्राजील में सूखे के लगातार दूसरे वर्ष के रूप में दक्षिणी अमेरिका के बड़े मकई और सोयाबीन फसलों के लिए दृष्टिकोण खराब हो गया है, जिससे पैदावार और उत्पादन पूर्वानुमान कम हो गए हैं। अर्जेंटीना और दक्षिण ब्राजील में लगातार दूसरे साल सूखे के चलते मक्का और सोयाबीन फसल की पैदावार और उत्पादन में कमी आ गई है। आपको बता दें, रूस से ब्राजील को साल 2020 में 15,34,505.70 टन अमोनियम नाइट्रेट निर्यात किया गया था। वहीं बात करें अगर अमेरिका की, तो अमेरिकी किसान जल्द ही अपनी बसंत फसलों की बुआई शुरू करेंगे। उच्च उर्वरक कीमतें उत्पादन लागत को प्रभावित करेंगी। अमेरिकी किसान जल्द ही अपनी बसंत फसलों की बुआई शुरू करेंगे। उच्च उर्वरक कीमतें उत्पादन लागत को प्रभावित करेंगी और 2022 में उत्पादकों को मक्के की अच्छी फसल करने से रोक सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना। बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।